ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। राम जेठमलानी देश के सबसे महंगे और विवादित वकील, पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा के सदस्य थे। 8 सितंबर को राम जेठमलानी ने अंतिम सांस ली। 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेते हुए पक्ष के सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिछले हफ्ते से बीमार चल रहे थे, लेकिन राम जेठमलानी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जो उन्हें विवादित बनाता था और जो उन्हें देश का सबसे महंगा वकील भी बनाता था। हम आपको बता दें, राम जेठमलानी का जन्म 1923 को सिंध प्रांत के शिकारपुर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। और राम जेठमलानी का सपना था, मैं एक अच्छा लॉयर बनूं, यानी वकील बनूं। लेकिन मलानी के पिता चाहते थे बेटा इंजीनियर बने। जेठमलानी ने 17 साल की उम्र में वकालत की पढ़ाई की पूरी कर ली थी और 18 साल की उम्र में वे वकील बन गए थे। और 1948 में जेठमलानी भारत चले आए और 6 साल तक प्रैक्टिस की, फिर अपना चैम्बर बना लिया और वकालत के साथ साथ सियासत में भी हाथ आजमाना शुरू किया। उसके बाद शिवसेना से मलानी 1971 में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद एक चुनाव जीते बार एसोसिएशन चेयरमैन का। 1977 का चुनाव लड़ा, बॉम्बे नॉर्थ सीट से चुनाव जीत गए। 1980 में भी जीत दर्ज की। 1988 में राम जेठमलानी राज्यसभा पहुँचे और जब पहुँचे तो राजीव गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से 400 सवाल पूछे। जेठमलानी के पास 70 साल से ज़्यादा वकालत का अनुभव था। जब कानून और वकालत की बात होगी तो उनकी विवाह की, उनसे जुड़े विवाद की भी याद आएंगी, क्योंकि देश का कोई भी बड़ा मुकदमा रहा हो उसमें जेठमलानी हाथ डालने से पीछे नहीं रुके। और जब इंदिरा गांधी का केस कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो राम जेठमलानी तैयार हुए। राजीव गांधी के हत्यारे का भी केस लड़ा। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु का भी केस लड़ा। आसाराम बापू से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की भी केस लड़ा। शराबुद्दीन केस में अमित शाह से पैरवी की। चारा घोटाला, लालू प्रसाद के वकील बने। मानहानि के मामले में केजरीवाल के वकील बने। बहुत सारे मामले की निपटारा किए राम जेठमलानी। उनके साथ काम किए वकीलों ने राम जेठमलानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।